स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की थी और उसी के संदर्भ में हमने आयुष आईडी की भी बात की थी। तो उसी के रेफरेंस में बहुत से बच्चों की क्वेरी आई थी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है और हम उसको कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसके लिए NCERT ने वेबसाइट जो है लॉन्च कर दी है और उस पर बहुत सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें कि अलग अलग ड्यूरेशन है और उसमें जितने भी स्ट्रीम है, आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, इन सब के जो है सब्जेक्ट वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के, जिसको कि करना आपको मैंडेटरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे पूरी वेबसाइट की डिटेल भी, कैसे आप उस पर लॉगिन करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और कोर्स को ज्वाइन कैसे करेंगे। यहाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि वहाँ पे जो भी कोर्स दिए गए हैं प्रोफेशनल वाइज, यानी कि फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट प्रोफेशनल में आपको कौन से सब्जेक्ट करने हैं, सेकेंड प्रोफेशनल में कौन से करने हैं और थर्ड प्रोफेशनल में करने हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, साथ में वहाँ पे उसका ड्यूरेशन भी है कि कितने ड्यूरेशन में आपको पूरा करना है कौन सा कोर्स। और एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि सारे कोर्स को करने के बाद आपको एक असेसमेंट भी देना है, यानी कि क्विज उसके बाद है और उसको आपको पास करना अनिवार्य है। उसमें अगर आप पास होते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन आपको वहीं पे मिल जाएगा, आप वहीं से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मिनिमम 3 इसमें ज्वाइन करने हैं, लेकिन मैक्सिमम कोई लिमिट वहाँ पर फिलहाल तो नहीं दिख रहा था, आप इसमें 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 आपको ज्वाइन करना है वहाँ पर। वहाँ पे फीस लिखा हुआ है 500 रुपये, तो अभी भी इसमें भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो लड़के लेडी BMS कर रहे हैं उनको क्या पे करना है या नहीं करना है, अभी कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है। तो अगर एक कोर्स जो है 500 रुपये का है, इसका मतलब अगर 3 कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 1500 रुपये इसमें पे करने पड़ सकते हैं। हालाँकि जो भी आगे जो डिटेल इसमें इंफॉर्मेशन आएगी, जो इंस्ट्रक्शन आएंगे, हम आप सबको ज़रूर बताएंगे उसमें कि कैसे पे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और आपको सभी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनके बारे में बताते हैं। और आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या डिटेल में डिस्कशन के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आयुषवाणी नाम से ही है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी क्वेरी का जवाब हम देते हैं, जो भी छात्र वहाँ पर जुड़े हैं, लगभग 6000 से ज़्यादा छात्र हैं वहाँ पर। तो अगर कोई समस्या हो तो बहुत से छात्र भी आपकी समस्याओं को वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इलेक्टिव्स जो प्रोग्राम है उसकी वेबसाइट, और डायरेक्टली ये वेबसाइट आप यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, electives.ncism.org। इसका लिंक जो है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। वेबसाइट देख लीजिए, डिटेल में यहाँ पे दिया गया है और नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे स्ट्रीम हो रहा है। यहाँ पर गेट स्टार्टेड नाउ फॉर फ्री, या अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं, पहले हम आपको दिखा देते हैं जो मेन है, होम है, अबाउट अस है, कोर्सेज है। कोर्सेज में फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकेंड प्रोफेशनल एंड थर्ड प्रोफेशनल अलग अलग प्रोफेशन वाइज है। इंस्ट्रक्शन यहाँ आपको मिल जाएंगे, एग्ज़ाम, ये सब चीज़ें बाद में बताएंगे, अभी इसकी नीड नहीं है, अभी सिर्फ सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने जब आपने स्टार्ट किया तो यहाँ बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अगर आयुर्वेद के हैं तो आयुर्वेद के, यूनानी है यूनानी, या जो भी रिस्पेक्टेड जो आपका है सिस्टम उसको सेलेक्ट कर लीजिए, हम आयुर्वेद का कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ सेक्शन अलग अलग दिए गए हैं, यहाँ पे जो सेक्शंस हैं 3 दिए गए हैं, ये आपने आपके कुरिकुलम में सिलेबस में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा सेक्शन आपको कब करना है। और यहाँ पर कोर्सेज हैं आपको, तो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो फंडामेंटल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन है, बेसिक्स ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी है। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो इंट्रोडक्शन टू मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू वृक्ष आयुर्वेद, बेसिक टेक्निक्स ऑफ मेडिसिनल प्लांटेशन, तो ये सारे हैं। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट है, अब अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियर इसमें नहीं है कि पेमेंट करना है या फ्री है, तो इसके लिए अगर कोई अलग से आदेश आता है तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। जो आपको लॉगिन आईडी मिली है कॉलेज से, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि आपको इसके लिए इलेक्टिव्स के लिए जो आईडी पासवर्ड है, जिसे कि आयुष आईडी नाम दिया गया है, वो मिला है, तो आप यहां से लॉगिन करके डायरेक्ट यहां पे लॉगिन कर सकते हैं।
लॉग इन करने का जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, यूजर आईडी फॉर फर्स्ट टाइम लॉग इन इज योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और एनसीएसएम आईडी, पासवर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट फोर लेटर ऑफ योर नेम इन कैप्स फॉलोड बाय MMYYY, यानी कि मंथ और ईयर का कॉम्बिनेशन है, डेट ऑफ बर्थ, और जब लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है या एनसीआईएसएम आईडी या जो आयुष आईडी आपको मिली है, आप वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड इंटर करेंगे, करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपका जो है कोर्स आपके सामने आ जाएगा कि आप कौन कौन से करना है, और यहाँ पे आपको कोर्सेज भी दिखा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आयुर्वेद सेलेक्ट किया। अब इसमें आपसे मिनिमम उसमें है कि आपको तीन करना है, तीन से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं फार्माकोलॉजी का करने के लिए, तो यहाँ व्यू पे जाएंगे आप, यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स मिल जाएगी, लैंग्वेज इंग्लिश, कैटेगरी आयुर्वेद, कोर्स ड्यूरेशन 10 मंथ, यानी कि इसमें जो है आपको 10 महीने पूरा करना है। वीडियो आवर्स 25, यानी कि 25 घंटे का इसमें वीडियो आपको मिलेगा। उसके बाद आपको क्विज भी अटेम्प्ट करना होगा जिसमें 50 है। कोर्स का लेवल बेसिक है और लेक्चर इसमें 45 लेक्चर्स हैं। इसका जो फीस है 500 रुपये है। फ़ी का अभी बहुत क्लियर नहीं है कि देना है या नहीं देना है। यहाँ पे इसका ओवरव्यू है क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं। कोर्स कोऑर्डिनेटर यानी कि डिज़ाइन किसने किया, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। कुरिकुलम यहाँ पे इसका एक स्लाइड दिया हुआ है। डेमो वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक डेमो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और चूँकि अभी स्टार्ट नहीं, इसलिए रिव्यू बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको एक कोर्स करना है तो आप यहाँ पर एनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे और एनरोल नाउ, और इसको परचेज करने के लिए यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट करेंगे। तो जब परचेज टू कार्ट करेंगे तो आपके सामने फिर वही आईडी पासवर्ड, मतलब जब तक आप लॉगिन नहीं होंगे आप इसको परचेज नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, तो आपको लॉगिन में करना आवश्यक है। तो दोस्तों ये था इलेक्टिव्स का जिसके बारे में सभी लोग जानना चाह रहे थे। इसमें और भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी नीचे जो टॉप कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर एक तो यही है, फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं ऑल करके, यहाँ पे सब एक बार में लगातार आते जाएंगे जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा। तो अभी जो है करंटली देखा जाए अगर आयुर्वेद की बात करें तो टोटल जो है यहाँ पे 6 ही कोर्स दिखा रहा है, लेकिन अभी और धीरे धीरे इस पर अपलोड हो जाएंगे। जब सेक्शन बी करेंगे तो यहाँ भी कुछ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी 6 कोर्सेज हैं, और सेक्शन एफसी में करेंगे तो यहाँ पर भी जो है लगभग आपके पास 6 कोर्स यहाँ भी हैं। तो आयुर्वेद में लगभग 18 कोर्सेज यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं।